हाय फ्रेंड, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, अब से लेकर कुछ दिनों तक मैं अपने इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में ही बातें करने वाला हूँ। अपने चैनल में मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट में या फिर दूसरे बैंक के किसी भी अकाउंट में, अपनी बैलेंस इंक्वायरी को कैसे घर बैठे बैठे ही हम पा सकते हैं और कैसे हम दूसरे ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर हम एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं तो www.onlinesbi.com के जरिए हम कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी SBI अकाउंट में। तो चलिए सीख लेते हैं कैसे हम अपने ही अकाउंट से दूसरे किसी भी SBI अकाउंट में कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं थ्रू onlinesbi.com। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल बिराज की बातें में। तो चलिए आज के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ओपन करना है अपने गूगल क्रोम को और उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है onlinesbi.com। onlinesbi.com में जाकर हमें सब पर्सनल बैंकिंग सेक्शन में लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमें डालना होगा अपनी इंटरनेट बैंकिंग की यूजर नेम पासवर्ड और एक नई ऑप्शन कैप्चा कोड। ये एक नई सिक्योरिटी फीचर है जहाँ पर जो नीचे इमेज दी हुई होती है इस इमेज को यहाँ पर हमें डालना पड़ता है। तो चलिए फटाफट डाल लेते हैं अपनी यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा कोड। तो यहाँ मैंने अपनी यूज़र नेम पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल दी है, अब कर लेते हैं लॉगिन। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम ऑनलाइन SBI.com के थ्रू अपने सेविंग अकाउंट से किसी भी SBI के सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो दूसरी वाली ऑप्शन है ऊपर में पेमेंट और ट्रांसफ़र, यहाँ से हमें क्लिक करना है इस ऑप्शन को। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर चार ऐसे ऑप्शन है जिसके बारे में जानना हमें ज़रूरी है अगर हम अपने अकाउंट से किसी भी दूसरे बैंक SBI अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन है क्विक ट्रांसफ़र, दूसरा वाला है एड एंड मैनेज बेनिफिशियरी, तीसरा वाला है फंड ट्रांसफ़र ऑन SBI और चौथा वाला है अकाउंट्स ऑफ अदर्स विद इन SBI। तो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम इस चार ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और कैसे ये चार ऑप्शन ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सबसे पहला वाला ऑप्शन है क्विक ट्रांसफ़र, और क्विक ट्रांसफ़र यहाँ लिखा हुआ है विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी, मतलब जिस अगर हमने एक बेनिफिशियरी एड नहीं की हुई है तो उन्हीं अकाउंट में हम पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्विकली थ्रू क्विक ट्रांसफ़र। और ये बेनिफिशियरी को कैसे ऐड और मैनेज कर सकते हैं मैं ये वीडियो के आगे में आपको दिखाऊंगा स्टेप टू में। तो क्विक ट्रांसफ़र कैसे करते हैं चलिए सीख लेते हैं। तो मेरी क्विक ट्रांसफ़र की पेज ओपन हो गई है। यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर मेरी सेविंग अकाउंट नंबर दी हुई है, मतलब मेरी सेविंग अकाउंट नंबर से पैसे डेबिट हो जाएंगे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम ऐड लिखना होगा, उसके बाद बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर और फिर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर को फिर से री एंटर करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी वो व्यक्ति है जिसके अकाउंट में मैं पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, और बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर वो अकाउंट नंबर है जिस अकाउंट में मैं पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। पेमेंट ऑप्शन यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे विद इन SBI, फिर यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, उसके बाद हमें पर्पज़ सिलेक्ट कर लेता है। डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही कॉमन पर्पज़ होता है, और अगर हम चाहें कि हम किस अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं उसके नाम को यहाँ कर ले तो अदर्स वाली को सिलेक्ट कर लेना है पर्पज, और यहाँ पर हमें लिख देना है ट्रांसफर टू फलाना फलाना अकाउंट। चाहे अगर हम ABC अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रांसफर टू ABC अकाउंट, जिससे कि आगे जाकर मुझे ये देखने में आसानी हो किस अकाउंट पे मैंने ट्रांसफर की थी इस दिन में। यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सबमिट को क्लिक करना है। सबमिट को क्लिक करने के बाद दूसरे पेज में फिर से हमें डालना होगा हमारी OTP जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगी, और उसके बाद OTP डालने के बाद तुरंत ही बेनिफिशियरी अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये है क्विक ट्रांसफ़र। अब चलिए सीख लेते हैं बेनिफिशियरी को कैसे ऐड और डिलीट कर सकते हैं और क्यों बेनिफिशियरी ऐड करना इतना ज़रूरी है। बेनिफिशियरी को ऐड और डिलीट करने के लिए यहाँ जो दूसरा वाला ऑप्शन है ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी, इस ऑप्शन को क्लिक करना पड़ता है। और इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले डालना पड़ता है अपनी प्रोफाइल पासवर्ड। प्रोफाइल पासवर्ड वो पासवर्ड है जो हम जब भी हम अपने इंटरनेट बैंकिंग को रजिस्टर करते हैं उसी समय प्रोफाइल पासवर्ड हमें मिल जाती है। तो फटाफट यहाँ मैं डाल देता हूँ अपनी प्रोफाइल पासवर्ड। प्रोफाइल पासवर्ड को डालने के बाद ये जो पेज खुल जाएगी उस पर हमें जो पहला वाला ऑप्शन है SBI बेनिफिशियरी वो अकाउंट होल्डर ऑफ SBI, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एक पेज ओपन हो जाएगी।
यहाँ ऊपर देख सकते हैं ऐड मॉडिफाई डिलीट व्यू अप्रूव ये सब कुछ हम कर सकते हैं थ्रू इसी पेज। अगर बेनिफिशियरी को ऐड करना है तो ऐड करना है, अगर मॉडिफाई करना है तो बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर व्यू करना है तो व्यू भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊँगा कैसे ऐड कर सकते हैं हम बेनिफिशियरी को। ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ नाम डालना है, फिर अकाउंट नंबर डालना है बेनिफिशियरी की, फिर अकाउंट नंबर को कन्फर्म करना है, और वहाँ पर इसके बाद चौथा जो ऑप्शन है ट्रांसफ़र लिमिट, यहाँ पर हमें ट्रांसफ़र लिमिट को सेट करना है। यहाँ मैक्सिमम हम 10 लाख तक ट्रांसफ़र लिमिट को सेट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र लिमिट को इसीलिए सेट करना ज़रूरी है क्योंकि जितने भी अमाउंट हम ट्रांसफ़र लिमिट के तौर पर सिलेक्ट करेंगे उतने अमाउंट तक हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बारी में अपने बेनिफिशियरी के अकाउंट में। यहाँ पकड़ लीजिए मैंने 1 लाख ट्रांसफ़र लिमिट सिलेक्ट कर ली, तो अगर मैं चाहूँ तो 1 लाख तक पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ बेनिफिशियरी के अकाउंट में, लेकिन अगर 1 लाख क्रॉस हो जाए तो हम पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बेनिफिशियरी में, तो उसके लिए फिर से हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, और इसीलिए मॉडिफाई वाली ऑप्शन भी यहाँ पर दी हुई होती है। फिर मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, और रजिस्टर मोबाइल नंबर आने के बाद सबमिट कर देना है मुझे। सबमिट करने के बाद जो बेनिफिशियरी है वो ऐड हो जाएगी हमारी इंटरनेट बैंकिंग के साथ, और बेनिफिशियरी यहाँ पर दिया ही हुआ है। अगर बेनिफिशियरी को हम सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच ऐड करते हैं तो विद इन सेम डे विद इन 4 आवर्स हमारी बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगी, लेकिन अगर रात के 8 बजे के बाद हम बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं तो वो बेनिफिशियरी अगले दिन के 8 बजे के सुबह 8 बजे के बाद ही ऐड हो जाएगी, तो इसे आप गौर करके रखिएगा। सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद OTP आ जाएगी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और OTP डालने के बाद हमारी बेनिफिशियरी है जो है वो 4 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। ये आप नोट करके रखिएगा, एक दिन में हम एक ही बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बेनिफिशियरी को ऐड और डिलीट कर सकते हैं थ्रू दिस पेज। अब चलिए जान लेते हैं कैसे हम अपने ही अकाउंट से अपने किसी दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू onlinesbi.com। अगर हम अपने अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे अकाउंट में जैसे कि लोन अकाउंट हो या फिर PPF अकाउंट हो या फिर RD अकाउंट हो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने पैसे को, तो उसके लिए हमें ये जो तीसरी वाली ऑप्शन है फंड ट्रांसफ़र ऑन SBI अकाउंट, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इस ऑप्शन को हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर चाहे तो शॉर्टकट यहाँ से भी दूसरे वाले ऑप्शन फंड ट्रांसफ़र ऑन SBI.account उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फंड ट्रांसफ़र वाली ऑप्शन। तो फंड ट्रांसफ़र वाली ऑप्शन की पेज कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी। यहाँ पर जो हमारी अकाउंट नंबर दी हुई होती है जिससे अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, फिर यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, अमाउंट डालना पड़ता है जितने अमाउंट हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, फिर सिलेक्ट करना पड़ता है पर्पज़ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर मेरी ये 2 अकाउंट नंबर है, ये 2 अकाउंट नंबर शो करती है, एक RD होगी या फिर एक लोन होगी। अगर मैं चाहूँ तो अपने ही अकाउंट से इसमें से किसी भी अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसके लिए सिंपली मुझे उस अकाउंट को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद नीचे पेमेंट ऑप्शन में जाकर पे नाउ ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इस ऑप्शन में OTP नहीं आएगी, तुरंत ही मेरे सेविंग अकाउंट से मेरे या फिर PPF अकाउंट हो या फिर RD अकाउंट हो या फिर लोन अकाउंट हो उस पर पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरी सेम सेविंग अकाउंट से मेरे ही अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर OTP नहीं आएगी। तो ये थी अपने ही SBI अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे SBI अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने की विधि। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम अपने सेविंग अकाउंट से किसी दूसरे SBI की सेविंग अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम अपने सेविंग अकाउंट से किसी दूसरे SBI अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे चौथी वाली ऑप्शन अकाउंट्स ऑफ अदर्स विद इन SBI इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को हम यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर शॉर्टकट देखना चाहे तो ये तीसरी वाली जो ऑप्शन है इससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अकाउंट्स ऑफ अदर विद इन SBI ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह का विद इन SBI अकाउंट्स ऑफ अदर वाली पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मुझे अमाउंट डालना है, पर्पस डालना है, और यहाँ पर अगर मैंने बेनिफिशियरी ऐड की हुई है तो ये जो बेनिफिशियरी है ये यहाँ पर शो करेगा, तो इसीलिए हमें बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ता है। अगर हम फ्रिक्वेंटली किसी अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं हर महीने वीकली या फिर क्वार्टरली, तो हमें बेनिफिशियरी के तौर पर उसे सिलेक्ट कर लेना है, उसे ऐड कर लेना होता है
ताकि ये सिंपली यहाँ पर शो करे और मैं क्विकली उस अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो ये वाली जो बेनिफिशियरी है यहाँ पर ऐड है, इस अकाउंट में अगर मैं पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है अकाउंट नंबर को, अमाउंट डालना है, पर्पस डालना है, पेमेंट ऑप्शन को यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ तीन ऑप्शन है, शेड्यूल लेटर, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, पे नाउ में तुरंत ही पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। शेड्यूल लेटर मतलब अगर हम किसी दूसरे दिन में पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहें तो हम ये आज के डेट से ही सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हर महीने अगर एक डेट पे पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहे तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे सबमिट कर देना है, OTP आ जाएगी मेरी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और OTP को डालने के बाद तुरंत ही मेरे अकाउंट से दूसरे जो भी बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरह से हम अगर क्विक ट्रांसफ़र से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर हमारी बेनिफिशियरी ऐड नहीं हुई होती है तो। अगर हम बेनिफिशियरी को ऐड करना चाहे तो हम बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी से, और अगर हम चाहे तो अपने ही अकाउंट में से अपने ही किसी PPF या फिर लोन अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं ऑनलाइन, और अगर किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में से पैसे को ट्रांसफ़र करना है तो वो भी हम कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन SBI.com। तो इस तरह से हम ऑनलाइन SBI.com के जरिए अपने घर बैठे बैठे ही अपने अकाउंट से अपने किसी भी अन्य अकाउंट या फिर दूसरे किसी भी SBI अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप घर बैठे बैठे ही अपने अकाउंट से दूसरे किसी भी अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाए करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।